नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। UGC परीक्षा के अनुसार और अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला UGC के पक्ष में सुना दिया है। कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकारें परीक्षा रद्द कर सकती हैं, मगर UGC बगैर परीक्षा के छात्रों को प्रमोट कर डिग्री नहीं दे सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि UGC की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं होगा और अदालत इन्हें सही मानती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि UGC क्या है। UGC भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन है, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC 28 दिसंबर 1953 में बना था। 1956 में संसद के द्वारा यह एक संगठन बनाया गया था। विश्वविद्यालय में अध्यापक परीक्षा और अनुसंधान के निर्धारण और रखरखाव के लिए यह संगठन बनाया गया था। JEE और नीट में देरी के चलते देश भर के विश्वविद्यालयों में लाखों सीट पर दाखिले अटक गए हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर जर्नल डिग्री प्रोग्राम में भी अभी तक दाखिले रुके हुए हैं। दरअसल छात्र इन परीक्षाओं के नतीजे और मनपसंद कॉलेज ना मिलने के बाद ही अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं। परीक्षाओं में देरी का परिणाम छात्रों के भविष्य पर ही नहीं बल्कि शिक्षकों की नौकरी पर भी पड़ेगा। उधर UGC भी परीक्षा में देरी पर चिंतित है, क्योंकि छात्रों के इस रवैये से UG और PG दाखिले अटक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के फैसले को मानते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 दिसंबर तक कराई जाएं। अदालत ने राज्य सरकार अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकती। आदित्य ठाकरे की युवा सेना समेत कई याचिकाओं में कोरोना वायरस के संकट के बीच परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान वायरस के संकट के कारण बंद हैं। मांग की गई है कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने दिसंबर के अंत तक परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया था। UGC ने तर्क दिया था कि परीक्षा छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करने के लिए कराई जा रही है और परीक्षाओं के बिना डिग्री नहीं दी जा सकती है। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को समाप्त हुई थी और फैसला आज सुनाया गया है कि अदालत में दलील पेश की गई है कि डिग्री UGC द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए UGC को परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश देने का अधिकार है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अब UGC के निर्देशों के अनुसार परीक्षा में जुड़ी हर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।